लखनऊ में द मिलियन फार्मर स्कूल का सीएम योगी ने किया उद्घाटन। किसान पाठशाला का भी सीएम ने किया उद्घाटन। लोक भवन में हुआ उद्घाटन समारोह कार्यक्रम। संबोधन कर सीएम ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में होगा सुधार। लखनऊ में सितंबर में हो सकते हैं यूपी में उपचुनाव और विधानसभा की 12 सीटों पर होने हैं उपचुनाव। अगस्त में जारी हो सकती है अधिसूचना। लोकसभा चुनाव में 11 विधायक सांसद बने हैं। अलीगढ़ में मासूम की हत्या के बाद तनाव। भारी पुलिस बल और आरएएफ की तैनाती। सुरक्षा बलों ने अलीगढ़ में किया फ्लैग मार्च। 2 एडीएम 4 एसडीएम समेत 7 अफसर तैनात। एएमयू कैंपस में कैंडल जलाकर मासूम को श्रद्धांजलि। बागपत में बेखौफ बदमाशों का आतंक। बदमाशों ने दो गैस एजेंसियों को बनाया निशाना। कर्मचारियों को बंधक बनाकर लूटपाट की और लाखों की नकदी लूटकर बदमाश हुए फरार। बाइक सवार 3 बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। गाजियाबाद में महिला सिपाही के साथ की गई मारपीट। महिला कांस्टेबल के साथ महिलाओं ने की मारपीट। चारों महिलाओं को पुलिस ने किया अरेस्ट। सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में मुकदमा दर्ज। लखनऊ के थाना कोकारी थाना में युवक ने नशे की हालत में तमंचे से फायरिंग की और फायरिंग करते वक्त छत पर खड़ी 3 साल की बच्ची को गोली लग गई। पुलिस ने बच्ची को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। बाराबंकी शराब कांड के बाद मुजफ्फरनगर पुलिस एक्शन मोड पर है। मुजफ्फरनगर में देर रात पुलिस और शराब तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई। थाना ककरौली क्षेत्र के जटवाड़ा नहर के पास मुठभेड़ हुई। अलीगढ़ में 2.5 साल की मासूम ट्विंकल के साथ हुई दरिंदगी और निर्मम हत्या की घटना से पूरा देश गुस्से में उबल रहा है। मासूम के साथ हुई दरिंदगी के विरोध में प्रयागराज में विश्व हिंदू महासंघ समेत कई सामाजिक संगठनों ने शनिवार को सुभाष चौराहे पर कैंडल मार्च निकालकर मासूम को श्रद्धांजलि दी। ललितपुर में हिंदी खबर की खबर का बड़ा असर हुआ। तालबेहट अस्पताल रिश्वत कांड की खबर चैनल पर चलने के बाद सीएमओ ने संज्ञान लिया। रिश्वत कांड की दोषी नर्स रीता सिंह को हटाया गया। एडीएम के साथ जांच के बाद बड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया। प्रयागराज के सिविल लाइन के पौश इलाके में नशे में धुत आधा दर्जन दबंगों ने रेस्टोरेंट मालिक से मारपीट की। खाना रेस्टोरेंट में खत्म हो जाने से आपको बता दें कि इसी की वजह से मालिक की पिटाई भी कर दी गई। प्रयागराज मंडल के चारों जिलों में संगीन अपराधों में लिप्त अपराधियों की पुलिस पर धरपकड़ जुटी है। पुलिस ने खास अभियान छेड़ दिया है। जल्द अपराधी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। सोनभद्र के रामपुर बरकोनिया थाना क्षेत्र के पलहारी गांव में एक पति ने पत्नी की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी और पुलिस आरोपी पति को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। झांसी में पोस्टमार्टम हाउस से एक नाबालिग बच्चे का शव गायब हो जाने से हड़कंप मच गया। जानकारी मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंची और परिजनों को समझाने का प्रयास किया। झांसी के अलीगोल खिड़की में झाड़ू से भरे गोदाम में आग लगने से हड़कंप मच गया और लाखों रुपए की झाड़ू जल कर राख हो गई। मौके पर दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।